जमशेदपुर में भी दुर्गोत्सव की शुरुआत के साथ माहौल भक्तिमय हो गया है। पहले दिन नदी घाट से कलश में जल लेकर मंदिर पहुंचा जाता है, जहां मां की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना होती है। साक्षी मनोकामना मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं सहयोगी प्रभात। दिन है और आज पहले दिन मां शैलपुत्र की पूजा की जाती है और सभी मंदिरों में कलश स्थापना की जाती है। वैसे इस वक्त हूँ मैं मनोकामना मंदिर में। ये देखिए श्री मनोकामना नाथ शिव दुर्गा मंदिर है और माँ दुर्गा का ही प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। माँ दुर्गा की प्रतिमा ही स्थापित की गई है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ढांकी लेकर लोग, जो ढाक बजाने वाले लोग हैं, ढांकी बजा रहे हैं और जब ये ढांकी बजता है तो एक अलग सा उत्साह पूजा का जागृत हो जाता है और ढांकी बजते ही ये आह्वान हो जाता है माँ की पूजा का। और ये मंदिर में सुबह के वक्त है अभी, और जो यहाँ मंदिरों में जो महिलाएं हैं और ये महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी हैं जो कलश लेके जा रहे हैं मानगो के छोटेखा नदी में जाएंगे, वहाँ से जल भरेंगे, जल भरकर फिर वापस मंदिर पहुँचेंगे। मंदिर पहुँचने के बाद माँ की प्रतिमा के सामने में कलश स्थापना की जाएगी। और ये देखिए ये पूजा सामग्री, ये नदी किनारे जो जल भरेंगे वहाँ पूरी विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। और पूजा अर्चना करने के बाद कलश को लेकर महिलाएं यहाँ मंदिर में पहुँचेगी और यहाँ मंदिर के सामने में माँ की प्रतिमा है जो यहाँ काफ़ी दिनों से स्थापित की गई है। माँ की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और आपको हम एक दृश्य दिखा देते हैं कि माँ खूबसूरत सा चेहरा और जो दुर्गा पूजा में खासकर ये जो लाल जो बोल का फूल होता है उसका एक अलग महत्व होता है और वो फूल ही माता को चढ़ाया जाता है और उसके बाद पूजा अर्चना की जाती है। और जितने भी लोग हैं अभी जो कलश यात्रा में गए हैं वो कलश लेकर जब वापस आएंगे तो यहाँ माँ की कलश स्थापना की जाएगी। आपको एक बार हम देखिए लोग जो सुबह पहुँचे हैं माँ के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और देखिए हाथ में फूल, लाल फूल जो अड़ोल का फूल बोला जाता है वो अड़ोल का फूल लेकर यहाँ मंदिरों में लोग पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ के पुरोहित हैं, हम उनसे एक बार जान लेते हैं कि आज जो माँ के पहले दिन जो पूजा होती है शैलपुत्र की पूजा की जाती है। और प्रथम दिन में माता शैलपुत्री का स्वरूप माँ का पूजा अर्चना होगा और इसमें अभी भक्त लोग नदी के तट पर गए हैं, वहाँ से जल अर्पण कर पांव पैदल लाएंगे और माता के चरणों में समर्पित करेंगे और वहीं से कलश स्थापना का कार्यक्रम आरंभ होता है। 8 दिनों तक जो पूजा होगी पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा शहर पूजामय हो गया है। सही अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।